फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाव भाजी बनाना बता रही हूँ। आइए मैं इसका रेसिपी बताती हूँ। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है और मैं इसमें एक स्पून मैंने ऑयल डाला। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, जो मैंने शिमला मिर्च डाला। इसे थोड़ा पकाना है और साथ में मैं दो हरी मिर्ची कटी हुई, एक शिमला मिर्च था और दो हरी मिर्ची कटी हुई मैं डाली हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, हल्का सा, ताकि शिमला मिर्च का भी टेस्ट पाव भाजी में आए। अब मैं इसमें बॉईल किया हुआ मटर मैं डाल रही हूँ। इसे भी मैं 2 से 3 मिनट चलाऊंगी। ये आप देख रहे हैं, शिमला मिर्च का खुशबू भी आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने पहले ही इसे डाल रखा था। अब मैंने 4 बॉईल किया हुआ आलू को मैश करके रखा है। अब मैं ये इसको डालूंगी। मैंने इसे डाला और मैं इसे अच्छी तरीके से पहले मिलाऊंगी। आप देख रहे हैं कि ये सारा मेरा मिल चुका है अच्छी तरह। अब मैं इसमें कटा हुआ, चॉप किया हुआ टमाटर 3 मैंने डाला है, ये मैं 3 डाल रही हूँ, और थोड़ा कस्तूरी मेथी। देख रहे हैं कि मेरा जो है टमाटर भी हल्का गल रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ, ये आपने देखा। फिर नमक दूंगी, नमक कम देना, क्योंकि मैं बटर भी डालूंगी, बटर में ऑलरेडी नमक रहता है, इसलिए नमक कम ही आप डालना। अब इसे मैं मिलाऊंगी अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें बटर डालूंगी, बटर आप 1 चम्मच डालिए, ये मैंने डाला। उसके बाद 1 चम्मच पाव भाजी मसाला मैं डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने डाल दिया। और अदरक घिसा हुआ है वो भी मैं 1/2 चम्मच वो डाल रही हूँ। अब मैं सबको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है रेडी हो रहा है। अब मैं इसमें देगी मिर्ची 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैं डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसको मैश करना है, कुछ दिखे ना। इसे मैं 5 से 7 मिनट में अच्छे से चला के मैश करूंगी। ये देखिए, इसमें पानी नहीं डालना है, इसको ड्राई ही रखना है, क्योंकि मुझे अभी तड़का भी उसका भी तैयारी करना है। ये देखिए, ये अच्छे से ये मैश हो रहा है। मैं इसे बाउल में निकाल के अच्छे तरीके से मैश करूंगी, कि ये सब मटर सब जो दिख रहा है ये सब ना दिखे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये है सब्जी रेडी है। अब मैं इसका तड़का जो है वो रेडी करूंगी। पूरी तरह ये मैश हो गया है। अब देख रहे हैं कि कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तड़का लगाने का स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 स्पून 1.5 स्पून मैंने ऑयल दिया। इसमें ऑयल दिया नहीं जाता है, मैं लेकिन थोड़ा सा ऑयल दी। अब मैं इसमें बटर दूंगी, इतना ही बटर, क्योंकि पाव भाजी तो बटर में ही बनता है। ये मैंने बटर डाला 2 स्पून। अब कटा हुआ मैंने चॉप किया हुआ ये प्याज डाला है। अब लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी, क्योंकि बटर डाला है, जल्दी ये ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं, ये मैंने प्याज डाला। प्याज में मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालूंगी, थोड़ा कस्तूरी मेथी डालूंगी और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी। ये आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कलर के लिए। देगी मिर्च ये मैंने डाला, और नमक डालूंगी जरा सा, क्योंकि मैं पहले भी नमक डाल चुकी हूँ, इसीलिए मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। अब देख रहे हैं कि सारा मसाला ये मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1 ही चम्मच डालना है, क्योंकि मैंने पहले भी डाल रखा है। और इसमें 1 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने 5 मिनट इसे चलाया, ताकि सारा जो है मसाला अच्छी तरह मिल जाए और प्याज भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं जो है इसमें आलू का जो मैंने पेस्ट बनाया है भाजी, ये सारा मिलाऊंगी। ये आप देख रहे हैं, इसमें मैं सारा डाल रही हूँ। डाल के अच्छे तरीके से इसे 5 मिनट चलाऊंगी डालने के बाद। अब आप देख रहे हैं कि मेरा सारा मसाला और ये भाजी
पूरी तरह एक में मिल गई है। अब जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे पतला करूंगी, क्योंकि इतना गाढ़ा तो कोई खाता नहीं है पाव भाजी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अब इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके पहले मिलाएं, मैं अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। देख रहे हैं कि हमारा भाजी रेडी हो गया है, दिखने से ही बहुत यमी लग रहा है कि निकाल के पहले खा लो। अब मैं इसका पाव बनाने जा रही हूँ। हमारा देखिए तवा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। ये मैंने बटर डाला पाव के लिए। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा कस्तूरी मिर्च कस्तूरी डाला, ये डाल दिया। थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ी सी पाव भाजी मसाला, ये मैंने एक चुटकी, ज़्यादा नहीं एक चुटकी, ये मैंने डाला। अब मैं पाव को इस पर सेकूंगी। ये अब देखिए सारा मिल गया। अब मैं इसे, ये मैंने पाव रखा, ये चटपटा और टेस्टी पाव, जैसे आप मार्केट में खाते हैं उस टाइप का ये पाव होगा। आप मेरा रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ये हमारा पाव रेडी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा पाव भाजी गर्मा गर्म रेडी हो गया है। ये मार्केट के तरह है। आप जरूर इसका रेसिपी ट्राई करें और अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू।